सभी साथियों को राजवीर कुमार की याद जोड़ के राम राम भाई। फिलहाल जो आज का जो टॉपिक है ना, वो इतना खतरनाक है और इतना उपयोगी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग पूरा सुन लेंगे ना तो शेयर करने का अपने आप ही मन करेगा। और ऐसी दुखद घटना मुंबई के अंदर से निकल के सामने आ रही है कि मीरा रोड पर फ्लैट नंबर 704 से एक सरस्वती नाम की लड़की जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहती थी, वो भी अपने से 24 साल बड़े शख्स के साथ, जिसका नाम मनोज था। जी हाँ, वो हैवान कहें, दरिंदा कहें या शैतान कहें, उसको कुछ भी कहें, चाहे जल्लाद कहें, गलत नहीं होगा। उन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, उस हैवान ने, उस दरिंदे ने उस लड़के के इतने टुकड़े कर दिए कि आपके लिए गिनना भी नामुमकिन है। और इससे भी उनका मन नहीं भरा, उन टुकड़ों को, उनकी हड्डियों को कुकर में उबाला और फिर कुत्तों को खिला दिया। और जो उसका खून था, वो खून बाल्टी भरकर गटर में बहाया गया। इससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर साक्षी का मर्डर, जिसके ऊपर चाकुओं से 21 वार किए गए। उससे पहले भी आपने देखा होगा श्रद्धा मर्डर केस, जो कि 35 टुकड़ों के अंदर मिली थी और उनको फ्रिज में रखा गया था। ये वारदात क्यों होती हैं? लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा घटिया कानून जो सरकार ने पास किया, उसकी वजह से इन लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं। और आप ये मत सोचना कि हम बचे हुए हैं, क्योंकि कल आपका भी नंबर आएगा और सभी का नंबर आने वाला है, क्योंकि हमारे देश का कानून इतना घटिया, गंदा और सड़ा हुआ कानून है, उसको उठाकर फेंक देना चाहिए। सिंगापुर के अंदर श्रद्धा मर्डर क्यों नहीं होता? ये भारत की श्रद्धा का मर्डर क्यों होता है? अमेरिका की श्रद्धा का मर्डर क्यों नहीं होता? ये भारत की श्रद्धा का मर्डर क्यों होता है? चाइना की श्रद्धा का मर्डर क्यों नहीं होता? ये भारत की साक्षी का मर्डर क्यों होता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि सिस्टम गंदा है, कानून सड़ा हुआ है। हमारे देश के अंदर हर चीज़ बदल रही है, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, यानी कि छोटी से लेकर बड़ी चीज़ बदल रही है, लेकिन कानून नहीं बदल रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जनता खामोश है, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। आरक्षण के लिए धरना करते हैं, किसान फसलों के लिए धरना करते हैं, हमारी फसल खराब हो गई, पैदानों के लिए धरना कर रहे हैं, मुआवजे के लिए धरना करते हैं। मुझे ये बताओ, उस मुआवजे का जब क्या करोगे, तब हमारी जो बहन बेटियां हैं वही सुरक्षित नहीं रहेंगी? उनको जब काट काट करके मारा जाएगा, तो क्यों नहीं आप जाग रहे, क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे और क्यों नहीं इस गंदे कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे? आप मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर अच्छा हो और दवाई खराब हो तो क्या मरीज ठीक होगा? कमेंट में बताना आप, क्या मरीज ठीक होगा? नहीं होगा। ड्राइवर अच्छा है और गाड़ी खराब है तो क्या आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही शासक कितना भी अच्छा हो, अगर कानून अगर गंदा होगा, सड़ा हुआ होगा, तो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या घुसखोरी कम हुई, जमाखोरी कम हुई?
मिलावटखोरी कम हुई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, मानव तस्करी खत्म हुई, नक्सलवाद खत्म हुआ, धर्मांतरण खत्म हुआ, पत्थरबाजी खत्म हुई, पलायन खत्म हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सरकार खत्म करना ही नहीं चाहती, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिर्फ दो चीजों का फायदा देखा जाता है, पहला नोट का और दूसरा वोट का। यहाँ के जितने भी एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सीएम तक सिर्फ नोट और वोट का फायदा देखते हैं। अमेरिका के अंदर होता है एफपीसी, फेडरल पिनल कोड, एक ऐसा कानून। हमारे यहाँ मर्डर के ऊपर एक धारा होती है, एक्ट होता है 302, जिसके अंदर फांसी या उम्र कैद। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आज तक किसी को फांसी हुई है? जनता अपना काम कर देती है, कैंडल मार्च करती है, रोड मार्च करती है, रोड पे निकल जाती है, हाहाकार मचाती है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है कि फांसी दो फांसी दो फांसी दो। लेकिन आज तक किसी फांसी हुई है? नहीं हुई। क्यों? कानून नहीं है भाई, फांसी कहां से होगी? जबकि अमेरिका के अंदर जब भी मर्डर होता है तो उसके लिए इतने सख्त कानून है कि तुरंत उसको उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना गंदा, इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है, यहाँ पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख देते रहते हैं, लास्ट में कुछ हाथ नहीं लगता। हमारे यहाँ भारत के अंदर किडनैपिंग के लिए जो किडनैप करता है उसके लिए 3 साल की सजा है, और अमेरिका के अंदर 50 साल की सजा है। भारत के अंदर चाहे कितने भी किडनैप कर लो, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है, सजा सिर्फ 3 साल। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर 1 को किया तो 50 साल, 2 को किया तो 100 साल, 3 को किया 150 साल, ऐसे ही सजा बढ़ती चली जाती है। और जो आरोपी होता है वो जेल में एकदम तोड़ देता है। 1860 का मैकाले का बनाया हुआ जो अंग्रेजी शासन है वो आज भी हमारे देश में चालू है, चल रहा है, लेकिन उसको कोई बदल नहीं रहा। तो कैसे होगी श्रद्धा के आरोपी को फांसी, कैसे होगी सरस्वती के आरोपी को फांसी, कैसे होगी साक्षी के आरोपी को फांसी? पता नहीं कितने ही 10 साल के अंदर लगभग श्रद्धा जैसे 2000, 10 सालों में लगभग 2000 हत्याकांड श्रद्धा जैसे देखने को मिले हैं। भारत के अंदर सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है, अपने फायदे के लिए लोग कानून का उपयोग करते हैं। इतने भी एमपी एमएलए नेता मंत्री सभी को अपने फायदे की लगी हुई है, लेकिन जो समाज की भलाई के जो कार्य होते हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और यही जनता इतनी बेवकूफ है फिर से उन्हीं को बना देती है। तो आज आपका कर्तव्य बनता है इस वीडियो को इतना ज़्यादा जो शेयर करें, अपने हर फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि जो घटिया कानून इस सरकार ने बना रखे हैं लिव रिलेशनशिप के, ये सब बंद होने चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। और सीधी जो है, या तो उस आरोपी को जो ऐसा कांड करता है उसका चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने का कानून बनना चाहिए, या फिर उसको जिस तरह से वो लड़कियों को काट रहे हैं उसी तरह से उनके जैसे एक एक अंग काटा जाना चाहिए। पहले जैसे पैर काट दिए, उसके बाद हाथ काट दिए, उसके बाद जो है दर्द का एहसास होने के बाद उसके सर को धड़ से अलग कर देना चाहिए, तब जाके इसको हम रोक सकते हैं। अन्यथा ऐसा हाल हो जाएगा हमारे देश का आने वाले समय में कि आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर हो क्या रहा है। एक लड़की घर छोड़कर भाग जाती है और अपने ही माता पिता पर केस कर देती है कि मुझे मारने की धमकी देते हैं। आप सोचिए, जो माँ अपने तकिए के नीचे जान रख करके जन्म देती है और किस तरह से उनको सींचती है, पालती है, पोसती है, कितना कष्ट सहती है,
उसके बाद उसको जैसे जैसे बड़ा होता देखती खुश हो जाती है कि मेरी बेटी कुछ कामयाब हो जाए, कुछ कर लेगी लाइफ में, और वही लड़की आगे चलकर उनके माथे पर कलंक लगा देती है। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जिस बच्चे को हम पालते पोसते हैं और आगे चल के वो इतना घिनौना कार्य करता है। परिवार बेखौफ होता है और उसके साथ रहने वाला, लिव में रहने वाला व्यक्ति उसके टुकड़े करके फेंक देता है। तो ये भाई ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक आप लोग जागोगे नहीं, जब तक आप लोग सोए रहोगे। हमारे देश में ये अंधकार ऐसे ही छाया रहेगा, ऐसे ही श्रद्धा मरती रहेगी, ऐसे ही सरस्वती मरेगी, ऐसे ही साक्षी मरेगी, ऐसे ही दामिनी मरेगी, ऐसे ही हत्याकांड होते रहेंगे। अब समय आ गया है जागने का, तो जागो, उठो और इस कानून के खिलाफ आवाज उठाओ। मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकार, इस देश का शासक, अगर इस घटिया कानून को उठाकर फेंक, देश को आग लगा दे, और अमेरिका, सिंगापुर, चाइना जैसा अगर कानून हमारे देश के अंदर ले आए, तो गारंटी लेता हूँ 1 साल के अंदर इन गुनहगारों को, इन दरिंदों को फांसी होनी शुरू हो जाएगी। और ना किसी को फांसी नहीं होगी, किसी को भी नहीं, क्योंकि ये घटिया सड़ा हुआ कानून, जुडिशियल सिस्टम जो है पूरी तरह से सड़ चुका है। बाहर देशों में जो है जज वकील कुछ नहीं कर पाते उस कानून के आगे, क्योंकि वहां पर सख्त कानून है। इन्होंने अगर जो कांड कर दिया उसका जो धारा बनती है वो बनती है, बस उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होता है। कानून बदलना नहीं चाहती भाई सरकार, कानून अगर बदल देगी तो ये घुसखोरी बंद नहीं होगी, ये जमाखोरी बंद नहीं होगी, ये मिलावट बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर ये खत्म हो गया तो फिर मनी कहाँ से आएगा भाई? आपको पता ही है कि यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों का फायदा देखा जाता है, नोट का और वोट का, तो नोट कहाँ से आएंगे? हम लोग जो है इकट्ठा होकर के इस कानून, गंदे कानून के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमें कॉल करे 7056569 4841 7056569 4841 हम सौंपेंगे सबसे पहले ज्ञापन भिवानी जा करके, और कौन कौन साथी इसमें हमारा साथ निभाएगा, हमारा साथ देगा और इस गंदे कानून के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। क्योंकि अगर आज आप नहीं जागे तो कल हमारी बहन बेटा सुरक्षित नहीं होंगी, ये आज आप समझ लीजिए, सोच लीजिए अच्छी तरह से। तो कौन कौन साथी इस अभियान के अंदर हमारे साथ आना चाहता है वो कमेंट करे, साथ ही साथ कॉल भी कर सकता है जो मैंने आपको नंबर बताया। जब तक तो लिव रिलेशनशिप का जो कानून है वो वापस नहीं होगा, तब तक आप लोग दम नहीं लेंगे, ये सोच लीजिएगा, ठान लीजिएगा कि पूरे देश के अंदर इसकी आंधी, इसकी गूंज सुनाई पड़नी चाहिए कि हमें यह कानून बंद करवाना ही करवाना है। जब तक बंद नहीं होगा हम चैन की सांस नहीं लेंगे, तब जाके हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकेंगी। और जिन दरिंदों ने श्रद्धा, साक्षी और सरस्वती के टुकड़े किए हैं इन्हें तुरंत फांसी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी, इसको शेयर जरूर कर दें और इतना शेयर कर दें कि लोग जन जन तक ये आवाज़ पहुंच जाए और लोगों की आंखें खुलें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम घर में दुबके बैठे हैं और इस गंदे कानून के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। तो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी संस्थाएँ हैं, और इस मुहिम के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ इस मुहिम में हमारा साथ दें। तो कमेंट करके बताएं भी आपको कैसा लगा और क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। राम राम।